हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। एसएससी एमटीएस 2020 टीयर वन की ऑलरेडी आंसर क्या आउट हो गई थी और हमने एनालिसिस करके देख भी लिया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है टीयर वन के लिए और फाइनल कट ऑफ भी क्या हो सकती है। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज 8,000 के आसपास मान के, ठीक है। वैकेंसीज में चेंज होगा तो ऑब्वियसली वो नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे, बट वो एक रफ आईडी के लिए था, ठीक है। बाकी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी सर टीयर टू के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए और साथ ही साथ टीयर टू में किस तरह का पेपर पूछा जाता है। लोगों ने पिछले साल जो पेपर दिए थे, क्या आरटीआई के थ्रू कॉपी मंगाई गई है, कोई मंगाई गई है तो कैसे लिखना होता है, कितने कितने मार्क्स लोगों को अवॉर्ड किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। सीजीएल सीएचएसएल की तो टॉपर्स की कॉपीज, लोअर स्कोरर्स की कॉपीज, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की, वो आपसे कितनी बार शेयर कर चुका हूँ मैं, वो सब आप देख ही सकते हैं वीडियोज। तो इस बार एमटीएस के बारे में देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 एस्पिरेंट्स की कॉपियाँ आरटीआई के थ्रू मंगाई गई हैं, ठीक है। और एक के शायद 32 नंबर है, एक के 34 नंबर है और एक के 38 नंबर है। तो तीनों कॉपीज को एक बार देख लेंगे कि उन्होंने क्या क्या लिखा और कैसे कैसे मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं, ठीक। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ के बारे में बताना चाहूंगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी की सारी पीडीएफ अवेलेबल है, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं। अभी डीटेटपीएससी का भी हुआ था, उसकी भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई थी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो कोई भी नए क्वेश्चन, नए चीजें आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे सब अवेलेबल होता है। जो भी अपडेट होते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो सारे मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। एसएससी सीएचएसएल एसएससी एमटीएस की जो टॉप 10 शिफ्ट है क्वांट सेक्शन की, वो भी मैंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेज करके दे दी, जिससे कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन डायरेक्टली प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो आपको ये ना हो कि बहुत ईजी शिफ्ट आप सोल्व कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अच्छे अच्छे शिफ्ट भी सोल्व कर दी। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है हम ऐसे भी प्रोवाइड करेंगे, मैं तो बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दे दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना है कि टॉप जो हार्ड शिफ्ट हैं वो सारे के सारे क्वांट के पेपर आपको अलग से मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपके सीजीएल मेंस में भी मदद करेंगे। अभी सीजीएल के आज आंसर की आने वाली है शाम को। सीजीएल 2020 की भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में सारे की सब्जेक्ट की सेक्शन वाइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ जो डिफिकल्ट शिफ्ट थी सीजीएल 2020 के, उनके क्वेश्चन पेपर की कंपाइलेशन अलग से भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप उसे प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस करना चाहे प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस करें, ओरली पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहे विदाउट, मतलब बहुत बिल्कुल लाइट सा वाटरमार्क, या फिर एसएससी का जो फॉर्मेट होता है बहुत गंदा होता है, उसमें टाइम पर प्रैक्टिस करने में मजा ही नहीं आता। तो एक ऐसे फॉर्मेट में कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है, पीडीएफ से भी करना चाहें तो वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। वो कल तक आपको सीजीएल की भी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एसएससी एमटीएस टीयर टू एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे टीयर टू आपका 50 नंबर को होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है, इसके कोई मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। अगर टीयर वन में दो एस्पिरेंट्स के मार्क्स बिल्कुल सेम है, जो कि अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद तभी पॉसिबल हो सकता है, अगर दो एस्पिरेंट का सेम शिफ्ट में पेपर पड़ा हो और सेम शिफ्ट के साथ साथ उनकी कैटेगरी भी सेम हो और उनके रो मार्क्स भी सेम हो। रो मार्क्स और सेम शिफ्ट होगी तो जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वो सेम होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर सेम हो गया और कैटेगरी सेम होगी तो कट ऑफ के लिए तभी आप कंपीट करोगे, ठीक है। कैटेगरी से नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि जो फाइनल स्कोर है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है, तो फिर कैटेगरी भी देखी जाएगी वहां पर। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के दो एस्पिरेंट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर बिल्कुल सेम आता है तो टीयर टू में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा बहुत ही कम केसेस मिलते हैं देखने को, बहुत ज्यादा केसेस नहीं होंगे, तो टीयर टू को एज अ क्वालिफाइंग पेपर ही मान के चले, इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में एक तरीके से नहीं जुड़ेंगे। 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें आप एसे या लेटर कुछ भी लिख सकते हैं और उसमें 30 मिनट मिलती है और इसमें चॉइस बहुत मिलती है। सीजीएल सीएचएसएल में बिल्कुल भी चॉइस नहीं होती, जो आ गया वही लिखना पड़ेगा, नहीं आता तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वह मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन चाहिए। एमटीएस के लिए कोई प्रिपरेशन खास नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो चीजें मैंने बताई टीयर टू पेपर के हिसाब से, पेन एंड पेपर मोड होता है, आपको पेन लेके जाना होता है, अपना पेपर देना होता है आराम से। क्वालिफाइंग पेपर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब 50 में से आपको अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 20 नंबर लाने, किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो ईडब्ल्यू एस एस सी एस टी ओबीसी तो आपको कितने लाने, 35% मारे, मतलब 17.5 नंबर लाने पड़ेंगे 50 में से क्वालिफाई करने के लिए, जो कि सभी लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। क्यों क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि चॉइस बहुत ज्यादा है। आपको टीयर टू में होता क्या है, 5 एसए के टॉपिक मिलेंगे, जैसे 2016 के मैं एसए के टॉपिक्स दिखा रहा हूँ, एजुकेशन एंड लाइफ, रेनी सीजन, मोबाइल फोन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, क्रिकेट मैच, बहुत बेसिक, क्योंकि 10th लेवल का पेपर है, बहुत ही सिंपल टॉपिक आते हैं जो हर कोई लिख पाए। कोई ऐसा नहीं है आपको लेटेस्ट टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, कोई भी एक बेसिक सी एसए की बुक आप उठा लेंगे उसमें से ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, अगर वो एज इट इज भी सेम चेप देते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। 5 एसए के टॉपिक थे, 5 लेटर के टॉपिक थे। अब इन 10 टॉपिक में से आपको क्या करना था, सिर्फ एक टॉपिक के बारे में लिखना था, 10 टॉपिक में से सिर्फ एक टॉपिक के बारे में लिखना था। तो आराम से आप क्या चूज करेंगे, एसे और लेटर में जब लिखने की बारी आएगी आप लेटर को चूज करेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मेट के भी बहुत नंबर होते हैं और लेटर कम वर्ड्स शब्द सीमा में लिखना होता है, आपको लगभग 150 वर्ड की शब्द सीमा होती है जहां तक मुझे पता है, तो 150 के वर्ड की शब्द सीमा में लिखना है तो गिनी चुनी 5-6 लाइनें लिखनी होती है लेटर के अंदर, जो वो टॉपिक जो है
उससे रिलेटेड 4-5 लाइनें बना दो, ज्यादा सोचना नहीं कुछ नहीं करना, आप आराम से लिख पाते हैं। ऐसे में कई बार होता है 30 मिनट में पूरा नहीं लिख पाते, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर चॉइस आपको लेटर और एस्से में मिल रही है तो आप लेटर ही लिखें, उसमें भी कोई भी सिंपल सा लेटर जिसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है वो आप आराम से लिख के जा सकते हैं। कुछ मैंने एक्सपेक्टेड एस्से या लेटर 2019 का जब टीयर 2 था उसके टाइम पे करवाए थे, तो आप वही फॉलो कर सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ, एक नॉर्मल लिखा हुआ है जिससे कि आप क्वालिफाई कर जाए, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर के जो 5 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, जैसे ये था लेटर टू अ लाइब्रेरियन टू गेट न्यू स्टोरी बुक्स फॉर द कॉलेज लाइब्रेरी, ये हो गया। लेटर टू योर फादर सीकिंग परमिशन टू विजिट जयपुर विद फ्रेंड्स, लेटर टू योर फ्रेंड्स इन्वाइटिंग हिम हर टू स्पेंड समर वेकेशन, जैसे 10th क्लास में आते थे ना स्कूल में वैसे ही है। लेटर टू रीजनल इलेक्ट्रिशियन ऑफिसर रिगार्डिंग नॉट गेटिंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम, लेटर टू द एडिटर रिगार्डिंग डेटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन। अब जैसे ये 5 देख रखे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो लोग चूज करेंगे वो लेटर टू एडिटर चूज करेंगे, ठीक है। एक तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मल लेटर हो गया, तो ऊपर काफी सारा स्पेस चला जाएगा, और लॉ एंड ऑर्डर में आप कुछ भी डाल सकते हो कि यहाँ पे गुंडे आते हैं गली वली में, ठीक है, ईव टीजिंग के केसेस होते हैं, चैन खींच लेते हैं, कुछ भी 4-5 पॉइंट डाल दिए, खत्म कर दिया अपना, ठीक। तो ये हमारे पास 2016 के टॉपिक्स हैं। ऐसे ही 2019 के अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ, 5 ऐसे के टॉपिक, वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली, एयर पोल्यूशन हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन जो कि सीजीएल मेंस में भी पूछा गया था, स्वच्छ भारत अभियान, देखो ये वाला टॉपिक सीजीएल 2018 टीयर 2 का है, ये वाला टॉपिक आपका एसएससी सीएचएसएल 2016 या 17-16 में पूछा गया था जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये सीएचएसएल 2016 का टॉपिक है, स्ट्रेस ऑफ स्टडी ऑन स्टूडेंट्स, ये टॉपिक था एयर पोल्यूशन और वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली। बहुत सिंपल से 5 टॉपिक हैं, ऐसे ही 5 लेटर के टॉपिक थे, एक बार मैं ये रिरेज कर देता हूँ। आप देखेंगे नॉट एबल टू गो टू फ्रेंड्स मैरिज, लेटर टू प्रिंसिपल टू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू पे द फीस, ठीक है। अभी लेटर टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ हॉस्टल, लेटर टू एमसीडी रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू मॉस्किटोज, एक ये था, और रिक्वेस्ट फॉर न्यू जनरल नॉलेज बुक्स फॉर कॉलेज लाइब्रेरी, ये 5 टॉपिक्स थे जिसके ऊपर आपका लेटर पूछा गया था। जनरली एमसीडी मेरे पास 2 कॉपीज तो जिन्होंने मॉस्किटो से लिखा, क्योंकि इसके रिलेटेड लिखना बहुत आसान था, और एक बंदा है जिसने फीस के लिए लिखा कि मेरे परिवार में पेरेंट्स गरीब हैं, फी पे नहीं कर सकते, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दें, ठीक है। तो 3 कॉपीज मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास पहली कॉपी है, इसमें ने 34 मार्क्स दिए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस बड़े ध्यान से पढ़नी है। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू राइट एनी पर्सनल आइडेंटिटी रियल और इमेजिनरी, एग्जांपल नेम रोल नंबर मोबाइल नंबर एड्रेस एट्सेट्रा अदर देन दी नेम एंड एड्रेस गिवन इन दी क्वेश्चन इनसाइड दी बुकलेट, अदरवाइज दी आंसर बुक विल नॉट बी वैलिडेटेड एंड शैल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। कोई भी आपको आंसर बुकलेट के अंदर, ये बुकलेट का फ्रंट पेज है, इसके अंदर कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होती, नाम रोल नंबर इत्यादि। अब नाम रोल नंबर इत्यादि या फोन नंबर इत्यादि में ये हो गया कि अगर आप मान लो आप अपना नहीं डाल रहे, आपका नाम है ऋतिक और आपने डाल दिया शिवम, ठीक है, तो एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि आपका नाम है किसी और का नाम है, तो वो तो आपको 0 नंबर दे देगा, यहाँ पे आप फेल हो जाओगे और डिस्क्वालीफाई हो गए, तो इसके चाहे नंबर जुड़े ना जुड़े आपका सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉपी के अंदर आपको नहीं लिखनी, पर्सनल या फिर किसी और की इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन भी। अभी मैं यहाँ पे एक कॉपी एक्सपेरेंट की कॉपी दिखाऊंगा, उसे यूएफएम नहीं मिला, बच गया वो, तो वरना यूएफएम भी हो सकता था उस चीज को लेके, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जो आपका यहाँ पे रोल नंबर डालना होता है, कंपलसरी रोल नंबर नहीं डाला तो भी आपकी कॉपी वैल्यूएट नहीं करेगी, करी जाएगी 0 नंबर। सिग्नेचर नहीं किए तो 0 नंबर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपने नहीं लगाया तो 0 नंबर, यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखना भूल गए तो भी आपको 0 नंबर मिलेंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इन चीजों का ध्यान रखें, जो लैंग्वेजेस हैं ये सारी लैंग्वेजेस दे रखी हैं, इनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप अपना पेपर दे सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का। चलें आगे। अब जैसे मेरे पास पहले एस्पिरेंट की कॉपी जिन्होंने 34 नंबर प्राप्त करे, ठीक है, जो लेटर का टॉपिक था यहाँ पे इन्होंने पूरा टॉपिक लिखा है, आप संगीता नवीन है प्रीत विहार नई दिल्ली के निवासी हैं, आपको कॉलोनी में पनपते मच्छरों की समस्या के बारे में स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखना है, ठीक है। अब सबसे पहले एड्रेस आएगा, खुद का एड्रेस आता है, तो प्रीत विहार नई दिल्ली, इन्होंने अपना एड्रेस लिखा, फिर दिनांक डाल दी, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय नगर निगम नई दिल्ली, इन्होंने जो भी एड्रेस लिखा है यहाँ पे कुछ भी अपने आप से नहीं बनाया, क्योंकि नई दिल्ली जो एड्रेस था वो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो चीजें यूज करके इन्होंने ये पूरा पूरा एड्रेस लिख दिया, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम दिल्ली की बात चल रही है। विषय कॉलोनी में पनपते मच्छरों की समस्या हेतु पत्र, विषय लिख दिया, उसके बाद मान्यवर, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं आपका ध्यान हमारी कॉलोनी प्रीत विहार में पनपते मच्छरों की ओर आकर्षण
आकर्षित करना चाहता हूं। इन दिनों मच्छरों की संख्या दिन प्रतिदिन दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। श्रीमान, इस समस्या का सबसे बड़ा और मुख्य कारण है कॉलोनी में व्याप्त गंदगी। कॉलोनी में जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं और नालियों की भी नियमित सफाई नहीं होने के कारण मच्छरों का बोलबाला है। मच्छरों के पनपने से कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू आदि। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत हम सभी कॉलोनी वासी नियमित कचरा कचरा पात्र में डालते हैं, परंतु निगम की अनदेखी से यह अभियान स्वपन सा लगता है। अतः आशा करता हूं कि इस समस्या पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे स्वच्छ भारत अभियान सफल हो और कॉलोनी वासी को समस्या से छुटकारा मिलेगा। सफल होगा कर लेना, और जिससे स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा और कॉलोनी वासियों को समस्या से छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद, भवदीय नवीन। ठीक है, जो नाम दे रखा है वही यूज करना है, नवीन है। अच्छा, ये पूरा लिखा हुआ नहीं है, नवीन ही है। ठीक है, तो राइटिंग थोड़ी साफ रखें, जिससे कि एक अक्षर आपका समझ आए। और नाम अगर थोड़ा गलत लिख दिया, मान लो यहाँ पे इन्होंने भवदीय नवीन की जगह लिख देते, शुभम मेरा नाम लिख देते, तो उस केस में यूएफएम हो जाता और इन्हें 0 नंबर मिलते हैं। अगर बाई चांस आप ऐसी मिस्टेक कर भी दें कि नाम गलत लिख दें, तो उसे पूरा का पूरा ऐसे काटेंगे एग्जामिनर रीड ही ना कर पाए। ठीक है, अगर रीड हो गया, नाम दिख गया, तो आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो जो जो नाम लिखा है आपको वही यूज करना, अपना नाम गलती से भी ना करें, यूएफएम हो जाएगा, अनफेयर मीन्स के तहत फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, बाकी इन्होंने ठीक ठाक लिखा है। ठीक है, जो लिखना था पूरा का पूरा इन्होंने अपना सारा चीजें बता दी। इन्हें 34 नंबर मिले हैं, ठीक है, 20 क्वालिफाइंग है, 34 मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसी टॉपिक पे ऊपर एक और पर्सन ने लेटर लिखा है, मैं वो दिखा देता हूँ। इन्हें 38 मार्क्स मिले हैं, सेम टॉपिक पे है इनका, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र जो था, इन्होंने खाली टॉपिक पूरा नहीं लिखा, बस नंबर डाल दिया कि पत्र का चौथे नंबर का पत्र है ये। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, वरना नंबर डाल दें तो इनके कोई नंबर कटे नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आगे कहता है, प्रीत विहार, नई दिल्ली, 24 नवंबर 2019, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, दिल्ली। बिल्कुल सेम शुरुआत है, कॉलोनी में पनपते मच्छरों के संबंध में पत्र, महाशय या महोदय कुछ भी यूज करें आप। मैं नवीन, इस पत्र के माध्यम से अपने कॉलोनी में सफाई ना होने के कारण पनपते मच्छरों की स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, पिछले कई सप्ताह से यहाँ कोई नगर निगम वाले सफाई कर्मचारी नहीं आए, इसके कारण यहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। नालों में जाम पड़ी है, चारों ओर पानी सड़कों पर बह रही है, इधर उधर कचरा कूड़ा पड़ा है, जिससे गंदगी फैल रही है। उस पर भिन भिनाती मक्खियां खतरनाक बीमारी को आमंत्रण दे रही हैं। इन सारी गंदगियों पर मच्छरों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, कई भी परिवार में बीमारी प्रवेश कर चुकी है। अतः आपसे निवेदन है कि यहाँ की स्थिति का जल्द से जल्द निरीक्षण कर ठोस कदम उठाएं। इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा, धन्यवाद, भोगदिया नवीन। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूरा का पूरा ना जो भी टॉपिक था लिख दिया। देखो बहुत आसान है ये, 10 मिनट का काम है इस तरह का। आपको लेटर लिखना है इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज में तो बहुत ही आसानी से आप लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, लैप पत्र लिखना है और हिंदी में भी लिखना है, तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल काम रहेगा। आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आराम से हिंदी में लिखें। जैसे मैंने दोनों एस्पिरेंट की कॉपी दिखाई, इन दोनों ने हिंदी में लिखा है और एक एस्पिरेंट की कॉपी हो रही, इन्होंने भी लेटर ही लिखा है, इससे ज़्यादा लोग प्रायोरिटी नहीं देते। अब इन्होंने लेटर इंग्लिश में लिखा है, इन्हें 32 नंबर मिले हैं। ठीक है, अब इन्होंने वो लिखा है कि यू आर प्रभा वरुण, रेजिडेंट ऑफ प्रीत विहार, न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट सम एक्स्ट्रा टाइम टू पे एग्जामिनेशन फी। ठीक है, एग्जामिनेशन फी पे के लिए आपको प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करने है कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दें। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इन्होंने स्टार्ट करा वरुण से, ये गलती कर दी, स्टार्टिंग में नाम नहीं आता। ठीक है, तो इन्होंने वैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आया प्रीत विहार न्यू दिल्ली, ये डेट दे रखी है एक लाइन छोड़ के, उसके बाद द प्रिंसिपल इन्होंने लिख दिया एक्स वाई जेड स्कूल। वो तो ऑल दो उस टाइम पे यूएफएम की चीजें चल रही थी और सीएचएसएल से यूएफएम हटा दिया गया था, तो ये वाला पार्ट इग्नोर कर दिया गया, वरना यहाँ पे एमटीएस में भी यूएफएम दे सकते थे, क्योंकि इन्होंने इमेजिनरी एक्स वाई जेड लिख दिया, दिस इज नॉट अलाउड।
आप अवॉइड करें। वैसे अभी लिख भी देंगे तो मेरे ख्याल से मार्क्स नहीं काटेंगे, लेकिन बट ये सब ना लिखें, अपनी मर्जी से कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लिखनी। अगर नहीं दे रखा है स्कूल का नाम तो आप द प्रिंसिपल स्कूल लिख दें खाली, कुछ मार्क्स कटेंगे लेकिन आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। मेन है डिस्क्वालिफिकेशन से बचना। यहाँ पे स्कूल लिखा, यहाँ पे आप न्यू दिल्ली लिख सकते थे अगर लिखना चाहते तो, क्योंकि न्यू दिल्ली ऊपर एड्रेस में दे रखा है, ठीक है। प्रीति विहार ना डालने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं, आप प्रीति विहार के रहने वाले हो तो आपका स्कूल भी प्रीति विहार में, उसके आगे पीछे हो सकता है, तो आप डायरेक्टली न्यू दिल्ली डाल देते तो यहाँ पे काम चल जाता। उसके बाद सर या मैम जो भी हैं, ठीक है, सर ओब्लिक मैडम भी लिख सकते हैं, वरना सर लिख दे तो भी मेरे ख्याल से मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आता है आपका, टू ग्रांट सम एक्स्ट्रा टाइम टू पे एग्जामिनेशन फी, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू से डेट आई वरुण एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई हैवंट पेड माई एग्जामिनेशन फी ऑन टाइम, हैंस आई हैव नॉट बीन अलाउड टू सिट इन दी एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम वरुण है, आपके स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ, मैंने एग्जामिनेशन फी पे नहीं करी टाइमली तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा। सर आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, माई फादर वर्क इन अ प्राइवेट फर्म, ही हैज टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई एंड माई यंगर ब्रदर, ठीक है। ये वाली सेंटेंस को थोड़ा बेटर कर सकते थे कि ही हैज टू टेक ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई ब्रदर्स, या ऐसा कुछ करके ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन एंड माई ब्रदर, देयर सम एरर मुझे इसमें लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ही इज फेसिंग हेल्थ इशूज फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, ही इज अनेबल टू गो टू हिज वर्क रेगुलरली, डेट इज वाई ही अर्न वेरी लिटिल वेजेस विच इज नॉट सफिशियंट, डेट कंपेल्ड मी नॉट टू पे माई फी ऑन टाइम, ठीक है। यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी और मेरे भाई की वही उठाते हैं, उसने काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं कुछ महीनों से, जिसकी वजह से वो रेगुलरली अपने काम पे नहीं जा पा रहे, तो अभी वो काफ़ी कम वेजेस अर्न कर पा रहे हैं जो कि सफिशियंट नहीं है, इसकी वजह से मैं अपनी फीस टाइमली नहीं दे पाया। सर आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई ऑलवेज पे माई अकेडमिक ड्यूज ऑन और बिफोर टाइम, इफ आई विल नॉट गिव द एग्जामिनेशन इट विल हैम्पर माई स्टडीज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज ग्रांट मी सम एक्स्ट्रा टाइम सो डेट आई कैन पे माई एग्जामिनेशन फी, आई शैल बी ओब्लाइज इफ यू डू दिस काइंड एक्ट टू मी, योर ओबीडियंटली बोलते हैं ना, योर ओबीडियंटली वरुण, स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड, रोल नंबर एक्स वाई डैच, डेट डाल दी इन्होंने, ये सब मत डालना, रोल एक्स वाई जेड मत लिखो भैया, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अभी तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए दिक्कत, बट ये थोड़ा रिस्की है एक्स वाई जेड वगैरह लिखना, प्लीज अवॉइड इट। एंड फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा डेट डाल दी, यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे डाल चुके थे ऑलरेडी डेट, तो मेरे ख्याल से फॉर्मेटिंग में थोड़ा बहुत एरर है इनका, जिसकी वजह से कुछ नंबर कटे हैं, एक दो लाइन में भी थोड़े मिस्टेक्स हैं। सो 32 नंबर मिले, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा भी लिख दिया तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना है आपको, बट डर ये है कि बस चॉइस ना खत्म कर दें ये। बाकी 2 साल पेपर हुआ है डिस्क्रिप्टिव का, 2016 में और 2019 में, ठीक है, एमटीएस का, तो उनमें तो चॉइस मिली है 10 में से 2 कोई भी एक लिखने की। अगर ऐसी चॉइस मिलती है तो आराम से आप लेटर को ऑप्ट करेंगे, लेटर में जो भी आएगा उस पर लिख देंगे, बाकी ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो जाए बाई चांस अगर चॉइस नहीं भी आई आपको थोड़ा भी टॉपिक के बारे में आइडिया, आप लिख दोगे और क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो एमटीएस के टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी इस पर कुछ ज़्यादा वीडियोज नहीं बनाने वाला, आज एक वीडियो बनाई, इसमें 3 कॉपीज हमने देख ली, लोग कैसा लिख रहे हैं, कैसा नंबर लेके आ रहे हैं, तो मे बी इससे आपका जो थोड़ा बर्डन होगा दिमाग पे एग्जाम को लेके वो हट चुका होगा। एमटीएस के एस्पिरेंट हो, आपने कितना भी स्कोर किया, मैं ये कहूंगा कि फाइनल ईयर आते आते 1 से 1.5 साल आराम से गुजर जाएगा, तो इस एग्जाम को आप भूल के अब आगे कोई और एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल या फिर कोई आरआरबी, एनटीपीसी, किसी और एग्जाम आपने दिया हो या उसके प्रोसेस में आप चल रहे हो, तो उन पे फोकस ज्यादा करें, ठीक है। एमटीएस एग्जाम को भूलने में ही भलाई है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब देखेंगे आगे क्या होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन कर लेना, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।